नहीं स्टार्ट करें टीचर से कॉल। जॉनलाइन स्टूडेंट पर आवाज आ रही है आपको? रजिस्टर कॉल नहीं, कल क्या पढ़े थे बताया जरा देख। कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी के? आवाजें खत्म करें बेटा प्लीज। एक नजर रिवाइज करने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? जॉनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? एक नजर रिवाइज कर लिया करेंगे ना घर जाके भी और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है अभी चीजें स्टार्ट नहीं हुई सही तरह, लेकिन साथ साथ रिवाइज तो कर लेना थोड़ा थोड़ा। चलें फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखें। बेहतर ये कि नया पेज निकालना, लेकिन अगर आधे से ज्यादा स्पेस है, पेज आधे से ज्यादा खाली है जहां कर रहे थे वहीं लिखने फिर। नेक्स्ट हेडिंग देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जगह लिखना अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर कैलकुलेट हो गया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री फिर क्या की जाती है? इधर चेक करना आवाज ठीक। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन सही। ऑनलाइन स्टूडेंट सर बताइए कल आवाज मेरी ठीक है? प्लीज आवाज ठीक आ रही है जरा कल बता देना मुझे आइडिया हो रही है। चलिए ठीक है जी सर, ये अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन आती है आप लोगों को? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सुना है कभी एंट्री? इसी तरह डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट भी हो जाता है। असल में डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने से कोई एसेट पर भी इंपैक्ट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन की बेटा एंट्री लिखने के दो तरीके हैं। जरा पेज जहां पे हेडिंग लिखी है वहां जरा सेंटर में एक लाइन है लगाए पेज पे, लेफ्ट और राइट साइड बना ले। लेफ्ट साइड पे लिखें इफ देयर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अपना कैंडी वन सेकेंड आज सही कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करिएगा, कुछ चीजें आपने सुनी हुई है लेकिन सही फाइनल करना दोबारा। If there is no separate ledger of accumulated, मैंने जरा स्पेलिंग कम की है, accumulated depreciation. अगर accumulated depreciation का अलग ledger ना बनाना हो तो फिर depreciation की एंट्री करते हैं depreciation debit and asset credit. कोई मशीनरी है तो मशीनरी फॉर एग्जाम्पल, कोई इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, जो भी एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये कोई फर्क है सर, क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सपेंस है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस टोटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं जो चार्ज हो गई है। लेकिन बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंस जो है ना वो ये है कि डेप्रिसिएशन अगर मैं कभी लफ्ज बोलूं तो आपका जहन जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन अगर मैं वर्ड बोलूं तो एक एक्सपेंस का हेड है
और इस एक्सपेंस ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाना, सही कहा मैंने। लेकिन अगर मैं आपके सामने लफ्ज बोलूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतनी अमाउंट से हमारा एसेट भी कम हो गया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से क्या होगा, हमारा एसेट कम होगा। एसेट कम होने का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट से है, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किस हेड से है, एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट लॉस में से जाना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर लेजर बन रहा तो इसका मतलब इस अमाउंट ने एसेट की कॉस्ट में से लेस होना। लेकिन मैंने इस वक्त ऊपर क्या वर्ड्स लिखे हैं, देयर इज, अगर हमारा एग्जामिनर कहे, वो कैसे कहेगा क्वेश्चन से चार्ज हो करते हैं, अगर हमें पता चले क्वेश्चन पढ़ के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग लेजर नहीं बनाना, तो देन फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया और उसका सेकंड इफेक्ट स्ट्रेट अवे एसेट के लेजर में जाके लेस हो जाता। एक एसेट का लेजर बनाया जरा जहन में, लेजर बनाएगा भी जिंदगी में, सेंटर में लाइन लग गई सर, टी बन गई सर, टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, लेट्स सी मशीनरी कोई, अगर कोई मशीनरी खरीदे तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट मीन ये अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी लेजर, और डेफिनेटली कैश के अगर लेजर बेटा बना रहे होंगे तो कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, लेकिन फोकस करें जरा सिर्फ मशीनरी अकाउंट पर, मशीनरी डेबिट मीन्स मशीनरी की लेजर में मशीनरी की अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी। अब अगर लेट्स सपोज एक साल गुजर जाए और डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लें आइदर बाय यूजिंग एनी मेथड जो कल डिस्कस हुआ है, और उन मेथड से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाए, अगर उसकी ये एंट्री की जाए जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक लेजर बनेगा। अब अगर मैं एसेट क्रेडिट कह रहा हूँ तो सेकेंड इफेक्ट इस डेप्रिसिएशन का आपकी उसी मशीनरी के लेजर में किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, क्या रेफरेंस लिखा नजर आएगा, डेप्रिसिएशन, और डेबिट साइड पे जब एसेट खरीदा तो अमाउंट आ गई, और डेप्रिसिएशन के रिजल्ट में अगर हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी फिगर, और फिर उन फिगर्स की बेस पे आपका एक सीडी बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन लेके जानी है तो व्हाट इज दैट एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट अकाउंट। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे के ऑपोजिट साइड पे लिखा, डेफिनेटली हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, मैं जरा थोड़ा सा विजुलाइज पहले करवा लूंगा, इसके ऑपोजिट साइड पे एक लाइन लिखा, इफ देयर इज If there is a separate ledger of accumulated depreciation, accumulated depreciation का ledger अलग-अलग बनाना है या नहीं बनाना है, ये इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन में देखेंगे कैसे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर अब से कहा जाए कि देर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो देन ये डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होगी, बोले आपको पता, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नहीं नहीं वो तो हो गई बात, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इटसेल्फ मींस है टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है। मैंने आपसे पूछा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मतलब क्या, क्या accumulated appreciation credit होने का मतलब accumulated depreciation बढ़ी है या कम हुई है, accumulated depreciation बढ़ी है या कम हुई है, accumulated depreciation बढ़ने से फिर क्या हुआ, indirectly asset ही कम हुआ, left और right side entries में बस ये फर्क है, left side पे हमने directly asset को कम कर दिया है और right side पे जो आपने लिखा इसमें हमने indirectly accumulated appreciation को बढ़ा के asset को कम कर दिया। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रही है तो एसेट ने कम ही होना है, एक तरीका यह है कि एसेट के लेजर के अंदर ही अमाउंट लिख के कम कर दें, अनदर वे इज कि एसेट का लेजर अलग रखें और एक नया लेजर किस नाम से बना लें, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जितनी अमाउंट इकट्ठी हो गई होगी इसका मतलब ये होगा कि इतनी अमाउंट से हमारा एसेट कम हो चुका है। इज क्लियर? कल हमने एक WDV का फॉर्मूला पढ़ा, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी उतनी ही कॉस्ट में से लेस होकर फिर हमारी WDV कम हो जाएगी। WDV किसे कहते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू किसे कहते हैं,
कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, बुक वैल्यू किसे कहते हैं, नेट बुक वैल्यू, वो तो नाम बोली जा रहे हैं ना, मतलब इसका मीनिंग क्या है, हमारा एसेट कितना रह गया, कितना रह, जितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी इसका मतलब होगा कि हमारे एसेट की डब्ल्यूडीवी मींस एसेट की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर वन, लेफ्ट साइड देखकर बोले क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एंड राइट साइड पे अगर तो क्वेश्चन में से पता चल जाए, एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन दे दे कि सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है या नहीं बनाना, फिर तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में फिगर्स अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री को चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम समटाइम्स ये आता है कि एग्जामिनर अगर ना बताए कि एक सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या नहीं है, तो देन फिर क्या करना होता है, इसके नीचे एक लाइन लगा दें और एक छोटा सा सेंटेंस लिख दें, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन देन ऑलवेज प्रिपेयर separate ledger of, always prepare accounting entry of, always prepare accounting entry, नहीं इस तरह से लिखा, sorry, then always prepare accounting entry by crediting accumulated depreciation. Then always prepare accounting entry by crediting accumulated depreciation. Means by default आपने हमेशा accounting entry जो याद रखनी, that is depreciation debit and accumulated depreciation. ठीक है, क्या इसकी exception भी है, क्या ये depreciation debit accumulated depreciation के अलावा भी entry हो सकती है सर? लेकिन वो कब करेंगे, अगर हमें कोई information question मिले, वरना बाय डिफॉल्ट यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर मैं कभी आपसे कहूँ कि मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाए तो क्या सुनाया करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एनी कंफ्यूजन, कोई चीज आपने किसी और तरह सुनी पड़ी हो, एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर है तो यहीं क्लियर करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, नेट ऑफ हो रहा है, नहीं क्लियर हो गया प्लीज। चले सर आगे चले, चले सर जी यहाँ तक मैंने बातें की हैं, अब इसकी बेस पे हम आज अपनी नई डिस्कशन अब स्टार्ट करें, कि जिसमें मैंने ये बातें इसलिए आपके सामने रखी हैं, ये पहले जो आपने डेप्रिसिएशन पढ़ ली है जो थोड़ी मैंने रिवाइज करवा दी है, इसने भी यूज होना है, और अब इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट बीच में आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ करंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जी ठीक है सर जी, अगर आपने हिस्सा पढ़ा हुआ तो ठीक है, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, ठीक है जी सर जी। अब डिस्पोजल का एग्जैक्ट मीनिंग इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ डिस्पोजल का मीनिंग जरा ब्रैकेट में लिखा है सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी हो, कुछ अच्छा इस्तेमाल कर ली हो, और इस्तेमाल करने के बाद उसकी जरूरत ना रहे और आप उसे अगर सेल कर दें, तो फिर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हम इस तरह से इस चीज को डिस्कस करने लगे। What is the meaning of disposal? फिलहाल क्या सेन में आएगा, सेल की बात, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए जरा एक मशीनरी का लेजर बना लो। मशीनरी का फुल कंसंट्रेट करेंगे, प्लीज आप फुल कंसंट्रेट करेंगे। यकीनन चीजें नई जरूर हैं, लेकिन अगर लॉजिकली सोचते हैं इंशाल्लाह बड़े आराम से बातें समझ आ जाएंगी। लेट्स सी मैडम, बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने 1 जनवरी 2020 पर सपोज मशीन परचेज की है, क्या एंट्री करेंगे? पार्टिसिपेट किया करें सर, इसे ऑप्शनल ना समझें, फुल इन्वॉल्व हो। मशीनरी डेबिट, कैश पे कर दिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 8 लाख रुपीज, डेट सपोज 1 जनवरी 2020 है। यकीनन कैश का भी लेजर होगा, उसमें फिगर क्रेडिट साइड पे होगी, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं है। सिर्फ कौन सा लेजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ? मशीनरी का, मशीनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 2020 की डेट आ गई, मीन्स 1 साल गुजर गया। आपने इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की आइदर बाई यूजिंग एनी मेथड, इस वक्त मेथड की हम डिस्कशन नहीं कर रहे। और सपोज आपने 80,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताए। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन लेट्स अज्यूम हमें एग्जामिनर ने कहा है कि आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट नहीं बना, आप जरा रिवाइज बता दें डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट एक अलग लेजर बनेगा, लेकिन वो अगर ना बनाया जा रहा हो, मशीनरी पे फोकस रखें, बताएं किस साइड पे कैसे लिखें। 31 दिसंबर डेट लिख लें, लिखें 31 दिसंबर 2020 डेट लिखें, डेप्रिसिएशन अपने लेजर में डेबिट और सेकेंड इफेक्ट हमारे इस लेजर में क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, एसेट क्रेडिट मैंने लिखा था, जो भी आपके क्वेश्चन में एसेट है वो तो रिस्पेक्टिवली इसका नाम आ जाएगा। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, सपोज फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, हमने एसेट खरीदा इस्तेमाल किया, इसका सीडी बैलेंस कैलकुलेट करें, टोटल करें, बनाए बनाए लेजर की बैलेंसिंग तो आती है ना सबको। 800,000 डेबिट साइड पे हायर अमाउंट है, ऑपोजिट साइड पे भी इतना ही होना चाहिए, और फाइनली 7,20,000 का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना प्लीज यहाँ पे। जी एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करें, सेम मशीनरी, इसी लेजर को एक्सटेंड कर लेते हैं, समझ आ रहेगा? एक्सटेंड कर रहा हूँ मशीनरी की, इसी लेजर को एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से शुरू करूँ? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा सर, क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे बनेगा, कहाँ लिखूँ, किन रेफरेंसेस के साथ लिख दूँ? ब्रॉट डाउन डीडी इज एन एब्रीवेशन फॉर ओपनिंग बैलेंस, 720 ओपनिंग डेबिट बैलेंस, डन है सर? कहीं लिख रहा हूं, कभी कहीं लिख रहा हूं, सही लिखी जा रहा हूं सर। एक और साल गुजार दें, एंडिंग डेट बोले, सेकेंड ईयर एंड की डेट क्या आएगी इसी स्टोरी में। 31 दिसंबर 2021 सपोज आ गया, दोबारा आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सपोज 80,000 आ गई, एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट। अब बेटा वन टाइम डिसीजन होता है कि आपने सेपरेट लेजर बनाना है या नहीं बनाना। अगर नहीं बनाना तो फिर आप हर साल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट रिपीट होगी, और अगर सेपरेट लेजर बन जाएगा तो फिर हर साल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मतलब ये कोई नहीं कि एक साल एसेट अकाउंट में और नेक्स्ट ईयर सेपरेट लेजर बना लें, ये वन टाइम डिसीजन उस वक्त लेना है जब एसेट आप परचेज कर लेंगे। अगर सेपरेट लेजर नहीं बनाना तो हर साल जब तक एसेट आपके पास है आप क्या एंट्री करते जाएंगे,
डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट लिखे और फाइनली सेकंड ईयर का सीडी निकालो। सेकेंड ईयर की सपोज डेप्रिसिएशन डेफिनेटली कैन बी डिफरेंट अगर आपका कोई स्टेट बैंक के अलावा मेथड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेथड अगर आप डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कर रहे हैं तो सेकेंड अकाउंट एसेट अकाउंट में ही आ जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस किया जाए तो 720,000 क्लोजिंग बैलेंस 6,40,000। ये कल याद कर इकट्ठे हो कहा स्टेटमेंट बनाए। जी मोहम्मद अदनान साहब, बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो चलो डिस्कस करेंगे, वो एक बच्चे ने वर्ड बोला था इसलिए मैंने बोला, उसकी जरूरत नहीं है। जी बेटा जो एंट्रीज ऊपर लिखी है मैंने वही लिखी है, सेपरेट लेजर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनना चाहिए लेकिन उस पर इस वक्त हमारा फोकस नहीं है, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। तो एसेट के अकाउंट में अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगी और रेफरेंस के तौर पर डेप्रिसिएशन की वर्ड के वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक नहीं, जस्ट एक क्लियर ये एंट्री समझ आ गई। बेटा नजम ऊपर जो लिखा है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे आप, प्लीज काइंडली क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करेंगे। जी तैयब सर, कौन सा रूम क्या क्या बस नेट नहीं है, मुझे बता दो फिर मैं वेट कर रहा हूँ।
ये बट अगर एसेट खरीदेंगे तो तभी एसेट डेबिट होगा। चलिए चलिए वापस आते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये बड़ा कैश का ऑपोजिट रेफरेंस लिखा हुआ है, प्लीज इस तरह की काउंटिंग ना करें। एसेट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पे फिगर है, और कैश का रेफरेंस आ रहा है कि ऑपोजिट लेजर का हेड आ रहा है, ऑपोजिट रेफरेंस ऑपोजिट लेजर का रेफरेंस आ रहा है। फाइनली वापस आ रहे हैं जहां तक हम पहुंचे थे, 31 दिसंबर 2021 पे फाइनली हमारी क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आ गई 6,40,000। आगे चलने से पहले जरा इस लेजर को और एंगल से जरा देखें। कॉस्ट पता है जी एसेट की कितनी है? वेलकम बैक सर। एसेट की कॉस्ट थी 1,00,000, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, एक्यूमुलेटेड भी कितनी है, पहले साल के बाद एक्यूमुलेटेड भी 80 है, तो 8,00,000 कॉस्ट है, 80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो WDV क्या होगा? 8,00,000 - 80,000 720,000। तो जो WDV होगी वही इस लेजर के CD के सामने नजर आ रही है। 2 साल बाद एक्यूमुलेटेड कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगा, 80 80 मिला के 160,000 माइनस 8,00,000। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना, 8,00,000 - 160 640। बात का मकसद ये है कि अगर आप एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे तो जो एसेट अकाउंट का CD बैलेंस होगा वो WDV रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये WDV नहीं है, ये गलत तरफ भी ना जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं तो CD बैलेंस WDV को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये CD बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है या WDV है? ये CD बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन दिस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू WDV अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। बात क्लियर है मेरी प्लीज? देन जरा नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन उठा, कौन सी डेट बन जाएगी, जरा डेट भी बता दो। 1 जनवरी 2022 हो जाएगा शायद। परसेंट रेट प्लीज 6,40,000। सिक्स लाख 40,000 बस लिख के रखते हैं, और 6,40,000 के नीचे जरा लेजर में स्पेस रखते हैं, जरा 3 4 लाइनें, और 3 4 लाइनें छोड़ के लेजर कंप्लीट हो जाएगा। 4 लाइनें छोड़ने, चला लेजर में 1 2 3 4 गिन के, लेजर को फिर एक्सटेंड नहीं करना प्लीज बेटा, एक्सटेंड नहीं करना, लेजर 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखना मीन्स अब लाइन लेजर खत्म हो गया। यहाँ एक लाइन लिखे लेजर के नीचे, 4 लाइन छोड़ दें। रेडी? ऑन 1 जनवरी 2022
दिस मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज सिक्स लाख 75,000 इन कैश. लेट्स अज्यूम 2 साल बाद हमें इस मशीनरी की जरूरत नहीं रही और हमने इस मशीनरी को 6,75,000 रुपीस पे कैश में बेच दिया. क्या ये मशीनरी हमने बेचने के लिए खरीदी थी? अगर बेचने के लिए बेटा खरीदा होता इसे फिर तो ये इन्वेंट्री होती, वो बहस ही और होती. क्या हो सकता है कि हमने यूज के लिए खरीदा हो और कुछ अरसे बाद फिर हमें जरूरत ना रहे और देर फॉर हम सेल कर दें? तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम थी, कुछ अरसा यूज किया, फिर किसी वजह से हो सकता है हमने नई मशीनरी लेनी हो, पुरानी की अब हमें जरूरत ना पड़ी रही हो, तो हमने पुरानी मशीनरी बेच दी और उसके अगेंस्ट कैश रिसीव कर लिया. क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? अगर ये सेल हो जाए तो कैश आ जाएगा और एसेट चला जाएगा. कितना कैश आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखा, तो कितने वाली मशीनरी कितने की हमने बेच दी? देखिए जब आप बेचेंगे तो आप मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे. आप जब भी कोई चीज बेचेंगे तो मार्केट में लेके जाएंगे और मार्केट में जो वैल्यू लग रही होगी उसके मुताबिक आप बेचेंगे. क्या जरूरी है कि जो WDV है वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो? वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, हाँ इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वो रेयर ही चांस है. WDV आई कैसे? लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर. कॉस्ट थी, कॉस्ट थी, उसको फिर हमने डेप्रिशिएट किया, मेथड एस्टीमेट किया, यूजफुल लाइफ एस्टीमेट की होगी, रिजर्व वैल्यूज होती होगी, तो एस्टीमेटेड फिगर्स के बेस पे वर्किंग हुई. हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि हमारी बुक्स में 1 जनवरी 2022 को ये मशीन 6,40,000 की है, 6,40,000 की है, लेकिन सपोज जब हमने इसे मार्केट में जाके बेचा तो इसके अगेंस्ट हमें 6,75,000 मिल गया. ये जो 6,75,000 हमें मिला, ये क्या चीज मिली होगी? मार्केट वाली मिली होगी, मार्केट वैल्यू कैश में मिली होगी. अब हमने क्या पकड़ाया होगा और हमें क्या मिल गया? मशीन पकड़ा दी होगी, मींस मशीन अब क्रेडिट होनी है, मशीनरी अब हमारी बुक से निकल जानी है और उसके अगेंस्ट हमें कैश जो मिलना है उसमें डेबिट होना. तो सबसे पहला काम, अगर कोई एसेट आप बेच दें तो गेन या लॉस की कैलकुलेशन होती है. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसके नीचे, अभी लेजर में वापस आते हैं बाद में. कैलकुलेशन गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल. ये गेन या लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन गेन, एक फॉर्मूला सोटा बना लो, गेन और लॉस इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स जो मैंने वर्ड लिखा है परेशान ना ऐसे रहेगा, सिंपली कैश की बात हो रही है, माइनस WDV. अब कैश को अगर WDV से कंपेयर करेंगे, कैश के लिए क्या वर्ड यूज किया मैंने? सेल प्रोसीड, सिंपली मीन जो सेल करके पैसे मिले हैं कैश, उससे कंपेयर करेंगे या माइनस कर देंगे WDV से, रिटन डाउन वैल्यू. तो इस डिस्कशन में हमें गेन या लॉस का कैसे पता चल जाएगा? सेल प्रोसीड्स को WDV से माइनस करके. अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा होंगी, सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी, अगर कैश ज्यादा आ रहा होगा तो गेन हो रहा होगा, और अगर कैश कम आ रहा होगा तो लॉस हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बताएं सेल प्रोसीड क्या है. सेल प्रोसीड किसे कहते हैं? तो कैश मिला है 6,75,000, रिटर्न डाउन वैल्यू 6,40,000. अच्छा वैसे ये कंपैरिजन ठीक हो रहा है? एक सेकंड दोबारा देखा कितने 675,000, ये कितने की है? ये तो 8 लाख की थी है. 8 लाख की थी या 8 लाख की है? तो 200 कॉस्ट और कैश का कंपैरिजन नहीं होना.
कैश और WDV का हमेशा कंपैरिजन होगा, और WDV भी किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, फर्स्ट जनवरी 2022 पे अगर हमने बेचा है, तो कैश को किस WDV से कंपेयर करना, ये भी लिखा था पे, या फॉर्मूला लिख रहा है। रिटर्न ऑन वैल्यू किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जिस दिन आपने डिस्पोज किया उस दिन आपकी बुक्स में उसकी कितनी WDV है उसको कंपेयर करना आपने सेल प्रोसीड से। 8 लाख की ये मशीन थी, अब जब आपने सेल किया तो कितनी की रह गई है? 6,40,000 की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगेंस्ट कितना मिला है, कितना मिला है, क्या ज्यादा मिला है? कैश ज्यादा मिला है, तो देयर फॉर डिफरेंस क्या कहलाएगा, गेन या लॉस? फॉर्मूला बारल क्या है, गेन और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड WDV। हमारे इस केस में 35,000 का गेन बनता है। जी यहां तक एक नजर देख लें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो आगे चलने से पहले पहले वो रिजॉल्व कर लें। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन प्लीज देखा करें यार, बार बार देखा करें, नई चीजें हैं, सही अंडरस्टैंड करें, हजम करें, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी अब अगर गेन या लॉस हो जाए, डिस्पोजल पे गेन हो या लॉस हो, क्या इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए? सर जी जाना चाहिए सर, अगर गेन होगा तो अदर इनकम बन जाएगी, और अगर लॉस होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखते हैं, तो गेन होगा तो अदर इनकम, और अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अदर इनकम मीन्स ये नॉर्मल इनकम नहीं, हमने बिजनेस इसलिए नहीं चलाया था कि मशीनें बेचनी, हमने मशीन तो हमने इस्तेमाल के लिए ली थी, तो जो नॉर्मल चीजें बेचने के लिए बिजनेस चल रहा है वो उसकी सेल आती है प्रॉफिट लॉस के स्टार्ट पे, और उस गुड्स की सेल के अलावा अगर कोई सेल हुई है और उस पे गेन है तो अदर इनकम में, और लॉस है तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह में आ जाए। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब गेन या लॉस तो बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट फिर ये आएगा कि किन डबल एंट्रीज के थ्रू ये गेन या लॉस रिकॉर्ड किया जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मुराद, कहीं लिख लें साथ ब्रैकेट में लिख लें, अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। जॉनलेस फ्रेंड्स प्लीज साथ हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी नोट कर लिया, इसके नीचे सर जी लिखे समटाइम्स ऐसे, आगे लिखने से पहले इसकी अकाउंटिंग एंट्री वैसे आपको पता नहीं चल गई? एक सेकंड आएंगे वैसे सोचकर बाद लिखता हूँ। सर जी क्या आ रहा है सर, अगर हमने मशीनरी बेची है तो हमें इन रिटर्न क्या मिला? कैश एक एसेट है, क्या कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा, कितने से होगा? 675,000 से होगा। जाने सर, सच जाने सर, मेरा बिजनेस ना समझे सर, अपना समझे सर, जाने उस क्या 35,000 कैश ले लें? जाने नहीं यार, क्या हो, क्या होगा सर, आपके साथ रह के मेरे तेज होना होगा सर। कितने पैसे आएंगे सर जी? जाने दे गुस्सा है, 6,75,000 कैश आएगा तभी 35,000 ज्यादा गेन बनेगा। क्या गेन के पैसे लेंगे या टोटल कैश लेंगे? कितने कैश लेंगे? 675,000 कैश डेबिट होगा, कितने
कितने से मशीनरी क्रेडिट होगी? 640 से। हाँ, जो डिफरेंस बनता है वो फिर गेन या लॉस अकाउंट होगा। तो ये एंट्री हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। कैश कितना डेबिट? 675,000। मशीनरी कितने से क्रेडिट? लेकिन बेटा ये जो एंट्री लिखनी है इसी को समझाने लगा हूँ, ये एंट्री लिखनी कैसे होती है उसी के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। नीचे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गाइडिंग में आप जो सम टाइम से मैंने स्टोरी शुरू की है, मैंने जरा इन एंट्रीज को लिखना कैसे होता है, एग्जामिनर फिर किस किस तरीके से मांगता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना, आपने नई चीज जरूर है लेकिन जो आपने बताया होना वही है। कैसे लिखें? हाँ, लिख रहा सम टाइम्स एग्जामिनर रिक्वायर्स sometimes examiner requires to prepare a ledger called as disposal account to calculate gain or loss on disposal. Sometime examiner requires to prepare a ledger by the name of disposal account to calculate gain or loss on disposal. गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सेल प्रोसीड्स माइनस डब्ल्यूडीबी। तो मैथमेटिकली तो बड़ा ये सॉल्व हो जाए, गेन है पता चल जाएगा, लॉस है तो पता चल जाएगा। लेकिन हम अकाउंटेंट्स का काम क्या है कि डबल एंट्रीज और लेजर्स बना के गेन लॉस कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आपको कभी कभी लिखा नजर आएगा कि प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। तो जरा पढ़ के ये दो तीन लाइनें बताएं, डिस्पोजल अकाउंट का मकसद क्या होगा? पढ़ के चलिए। इस लेजर के अंदर भी गेन लॉस निकलना, क्या वही गेन लॉस आएगा इसमें जो वैसे कैलकुलेट होता है? जो वैसे कैलकुलेट होता है वही इसमें आएगा, लेकिन इसमें फिर डबल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो डिस्पोजल अकाउंट सिंपली अ नेम ऑफ अ लेजर जिसमें फिर गेन लॉस कैलकुलेट होता है। तो डिस्पोजल अकाउंट के नाम से लेजर पढ़ो। डिस्पोजल अकाउंट में क्या निकलना है? गेन लॉस निकलना है। मैं आपको यकीनन आइडिया दे रहा हूं ऐसा, इसलिए मैं साथ साथ चले करवाना आप नहीं है। हम ये बताएं कि किन दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो गेन लॉस आना। ऊपर देखते रहे, ऊपर ऊपर इधर उधर स्टोरी वही है। अगर हम सेल प्रोसीड्स को और डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट को कंपेयर करेंगे तभी गेन लॉस निकलना। इन अदर वर्ड्स, इस लेजर में भी अगर हम कैश और एसेट की WDV को इकट्ठा कर लेंगे तो इंशाल्लाह बैलेंसिंग फिगर भी आपके सामने गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजर इज टू कैलकुलेट गेन और लॉस, एंड गेन लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड बाय एज अ डिफरेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड WDV ऑफ एसेट। अब जरा एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कैश आना जाना, कैश डेबिट, ठीक है। अब क्या ये कैश हमारी कोई इनकम के तौर पे आ रहा है? वो गेन है, गेन अदर इनकम। 675 दोबारा 675,000 क्या कैश एसेट है? क्या कैश एसेट है? लेकिन क्या ये कैश हमने इस एसेट के अगेंस्ट कमाया है? क्या अभी आपने कैश सेल की एंट्री सुनी? अभी अपने सेल का लफ्ज सुना सर आज? ऐसे पूरा करें, पूरा करें। अगर कैश सेल है तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट का मतलब क्या है? एसेट आया तो सेल क्यों क्रेडिट हुई? कैश कमाया तो उसी एसेट का सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि वो पैसे हमने कमाए हैं, देयरफॉर हमारी सेल इनकम है। तो सर जी सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब क्या है? इनकम।
सर जी, सेल का मतलब क्या है सर? कैश, सेल का मतलब कैश है। कैश किस नेचर का हट है? फुल सीरियस, फुल सीरियस, ठीक है, हंसने हल्का सा, दोबारा वापस आता। कैश किस नेचर का हट है? कैश एसेट है, तो कैश डेबिट हुआ। सेल्स की बात करें, इसको छोड़ देते हैं। कैश डेबिट हुआ अगर ये कैश आपको चीजें बेच के मिला, अगर ये कैश आपको चीजें बेच के मिला तो ठीक है, कैश तो एसेट है, लेकिन क्या अगर आपने कमाया है तो फिर सेल भी क्रेडिट है। तो सेल क्यों क्रेडिट है? क्योंकि ये कैश आपकी इनकम भी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो एंट्री बता, अगर बैंक से लोन ले लिया मेरे भाइयों तो एंट्री बताएं, कैश डेबिट, तो लोन क्यों क्रेडिट? कैश एसेट है, लेकिन क्योंकि ये पैसे वापस करने हैं इसलिए लायबिलिटी भी है। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट का मतलब कैश तो एसेट है लेकिन कमाया नहीं है, वापस करना है, तो ये लायबिलिटी भी है। ये भी है, समझ आता है? अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे दिए, बचपन की एंट्री पहली की बात कर रहा हूँ, पहली जो बचपन में सुनी होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये कैपिटल बीच में कहाँ से आ गया? कैश 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 क्या चीज है? एसेट है, एसेट है, लेकिन कहाँ से आया? ओनर से आया, देयरफॉर कैपिटल भी है। कैश सेल्स की एंट्री बोले, कैश क्या चीज है? कैश क्या चीज है? कैश एसेट है, लेकिन अगर कमाया है तो इनकम भी है। किस नेचर की इनकम है? सेल इनकम। तो क्या कैश 675,000 आया है? और सर जी आया है, डेबिट होगा, एसेट है, लेकिन क्या मशीनरी बेच के कमाया है? टोटल ये आया है, नेट कितना बचा है? 35। नेट कब कैलकुलेट होगा? जब इस कैश में से हम WDV लेस कर दें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 675,000। क्या ये कैश आपको मशीनरी बेच के अर्न हुआ? कितने रुपए कमाए और आपका एसेट कितने रुपए का था, तो फिर नेट कितना रह गया? कितना आया था 675, आपने कितने का दिया था, तो नेट फिर 35 बचा। तो कैश डेबिट 675,000, इसको मैं एक इनकम के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि ये इनकम है। लेकिन ऑपोजिट साइड पे लेट मी कंप्लीट, तो मशीनरी की तरफ है, क्या मशीनरी आपका एसेट है? लेकिन क्या आप ये मशीनरी एसेट है या थी? जब तक हमारी थी उस वक्त हमारा एसेट है। अब क्या इस मशीनरी को बेच के हमने इसके अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया? क्या इस मशीनरी के अगेंस्ट हमें बेनिफिट मिल गया है? तो क्या अब ये 640 ढूंढे, अब क्या बेचने के बाद ये जो 640,000 की अमाउंट है, क्या ये अब हमारा एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है? एसेट 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 किसे कहते हैं? जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो। और एक्सपेंस किसे कहते हैं? जिससे बेनिफिट ले लिया हमने। प्लीज पता है सबको सर? तो क्या इस मशीनरी से अब बेनिफिट हो गया है? अब ये मशीनरी हमारा एसेट नहीं है। अब देखिए ना, आपने 35,000 का गेन निकाला, ये गेन कैसे निकला हुआ? 675,000 कैश आ रहा है और हमसे भी तो हमारी मशीनरी जा रही है, तो जो हमारी मशीनरी चलेगी वो अब एसेट नहीं रही हमारा, वो एसेट थी हमारा। 675,000 हमने कैश कमाया है, वो सॉर्ट ऑफ हमारी इनकम है। अब हजम होता है कुछ? और जो मशीनरी हमने बेच दी है, अब वो सॉर्ट ऑफ हमारा एक्सपेंस बन गया है। देयर फॉर इन दोनों को नेट ऑफ करके हमारा गेन कैलकुलेट होगा। नहीं, कुछ क्लियर हुआ? क्या मैंने कैश को इनकम कह दिया? लेकिन मैंने कैश को इनकम कैसे कहा? प्लीज गलत तरफ ना चलिएगा। क्या कैश एसेट है लेकिन कमाने की वजह से वो इनकम भी है? क्या मशीनरी हमारा एसेट थी? तो वो मशीनरी तो क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, लेकिन बेनिफिट मिल जाने की वजह से एक एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ बन गया। तो क्या मैं मशीनरी को एक्सपेंस कह रहा हूं? मशीनरी एसेट कम हो रहा, जो उसका फायदा मिल गया उसको एक्सपेंस कर रहा हूँ, और जो कैश है वो एसेट ही है, लेकिन क्योंकि वो कमाया हमने मशीनरी बेच के, तो उसको उसके अदर एस्पेक्ट्स बोल रहा हूँ। तो क्या कैश अर्न करने की वजह से इनकम है और मशीनरी आप बेच देने की वजह से सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है? तो इन्हीं का डिफरेंस फाइनली फिर गेन, और अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम कम होती तो लॉस बन जाता। आई होप कि मैं कुछ समझा सका। दोबारा एक सेकेंड, लोन पर चले जाना,
लोन वाली एंट्री दोबारा बोलेगा लोन लिया। अब इसमें जो लोन क्रेडिट करे वो क्यों कर रहे हैं? क्या लाइबिलिटी? कैश लाइबिलिटी नहीं है, कैश एसेट है, लेकिन ये पैसे क्योंकि वापस करने पड़ रहे हैं इसलिए लाइबिलिटी भी है। तो उसका सेकंड एस्पेक्ट की बात कर, तो डिस्पोजल अकाउंट में हमने गेन या लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो हमें बस दो चीजें ट्रांसफर करनी है, नंबर वन कैश और नंबर टू मशीनरी की डब्ल्यू, या इन अदर वर्ड सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यू डीवी ऑफ एसेट अगर इस डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए तो हम गेन या लॉस कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब मैं जरा बोर्ड पर देखा जी, कैश के मेरी अपनी बात कंप्लीट कर लेना, हो सकता है आपके जहन में भी क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह उसको एड्रेस करता हूँ। लेकिन जो मैंने सेल्स की बात की है, जो मैंने लोन की एंट्री की बात की है, कैपिटल वाली बात की है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नई चीज है इंशाल्लाह, इसमें फर्दर डिस्कस करता हूँ। पहले वो बता दूंगा क्या मैंने लोन के एंगल से कोई गलत बात तो नहीं की, कैपिटल सेल्स, सेल्स को मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सिर्फ इनकम नहीं कहा, मैंने जो कहा पूरा बताया, कैश एसेट है लेकिन कैश अगर कमाया है तो इनकम भी है, इस भी है, प्रेजेंट है, लेकिन जो सेल कमाई है वो इनकम है। तो सेल इनकम है या कैश इनकम है? लोन एसेट है या कैश एसेट है? लोन लायबिलिटी, कैपिटल एसेट है या कैश एसेट है? तो कैपिटल है ना चीज, फाइव मेन हेड्स, ठीक हो गया। अरे वापस रहा फिगर्स का, ये ऑनलाइन से जरा एक सेकंड पूछ लेता, डिस्पोजल अकाउंट की डिस्कशन करते हुए जो मैंने पिछली एंट्रीज की बात की, कोई कंफ्यूजन? ये बिल्कुल सही है जी, हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, तभी डबल एंट्री बैलेंस होगी। और मैंने जरा इंटेंशनली बंद किया, जरा अगर आपने चलाना है तो ज्यादा मुझे सर मतलब पसीना ज्यादा आता है, तो फिर वो ये पड़ा हुआ इधर चला लें थोड़ी देर, देख लें ज्यादा नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। आप माशाल्लाह नौजवान लोग, मैं जरा ये पड़ा हुआ इधर इधर देखिए, मुझे ये तैयार रिमोट था इसका, नहीं इसका जरा चेक करेंगे, चलते चले स्टार्ट करते हैं, सही तरह चलता चला। जी सर, जी सर, डिस्पोजल अकाउंट फंस गया हमारा सर। अच्छा, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन मैं जरा कॉन्सेप्टली से क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए पिछली अगली बात की तरफ आ रही है। जी सर, ये फाइनल करना है, जरा अपनी फिगर सामने रख लें, 675,000 का कैश आ रहा है, कैश डेबिट या क्रेडिट? बोर्ड पे देखें सर, मैं एंट्रीज लिख रहा हूँ, आपने कुछ नहीं लिखना, पता नहीं सही है गलत है, पहले सारा फैसला कर लें, डिसाइड कर लें, क्लियर जब हो जाएगा तब लिख लेंगे। 675,000 कैश है और बच्चे तैयब को देख रहे हैं, तैयब भाई यार, और तैयब बैठ गया है, फाइनल देख लें, बोर्ड पे देखें, कैश डेबिट बना कितना? 675,000। मशीनरी क्रेडिट कितनी? 640,000। यहां तक सब क्लियर है? लेकिन ये एंट्री बेटा दो हिस्सों में होती है, अपना डिस्पोजल अकाउंट देखो, हमने इस डिस्पोजल अकाउंट में इस कैश को और इस मशीनरी को इसलिए ट्रांसफर करना है ताकि डिस्पोजल अकाउंट में फिगर्स आ जाने से गेन या लॉस बन जाए। कैश मैंने जब डेबिट कहा है तो ये किस नेचर का हेड है? एक एसेट अकाउंट, बर्ड है, डेबिट हो गया, ठीक है। इनकम के तौर पे इसका सेकंड इफेक्ट मैं डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ ताकि कैश वाली इनकम और डब्ल्यू डी बी ऑफ एसेट कंपेयर होके गेन या लॉस बन जाए। तो मेरी पहली एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी अगर मैंने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है कैश डेबिट, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्यों क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों हमारी एंट्री, हमारी लाइट चलेगी, एक मिनट लाइट आ रही है वापस।
जी सर, ये कैश टू डेबिट, कैश टू डेबिट एसेट है। और क्या इसका सेकंड एस्पेक्ट है कि ये इनकम है, तो इनकम को किस लेजर में क्यों लेके जाए? डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए लेके जाए ताकि डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कैलकुलेट हो जाए, इनकम के तौर पर ले। तो क्या इनकम क्रेडिट होती है? लेकिन इनकम को किस लेजर में लेके जाए? डिस्पोजल अकाउंट में क्यों लेके जाए? ताकि गेन लॉस आ जाए, एग्जामिनर ने कहा वहां गेन लॉस निकालना। तो इनकम के हेड को क्रेडिट करने की बजाय मैंने किस नाम से हेड बना लिया है? डिस्पोजल अकाउंट क्यों बना लिया है? क्योंकि एग्जामिनर इस तरह बना लेता है, अगर एग्जामिनर इस तरह ना बनाता होता तो इनकम अकाउंट क्रेडिट कर लेता। तो इनकम क्रेडिट की बजाय कौन सा लेजर क्रेडिट हो गया? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मीन्स क्या होगा, आपको क्या समझ आई मेरी इस बात से? अगर मैं कहूँ डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ रहा, कैश डेबिट मीन्स एसेट बढ़ रहा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों? ताकि इनकम वाला इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में चला जाए। लेट मी कंप्लीट यहां तक थोड़ा सा कुछ पता चला? क्या पता चला? कैश बढ़ रहा डेबिट हो रहा, और कैश का सेकंड एस्पेक्ट ये है कि हमारी इनकम है, और इनकम को किस लेजर में लेके जा रहे हैं? तो इनकम के लेजर की बजाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो। दूसरी एंट्री की तरफ है, क्या मशीनरी ने क्रेडिट होना? सर जी, मशीनरी ने क्रेडिट होना है। क्या वजह है, क्यों क्रेडिट होना है? नहीं, क्रेडिट क्यों होना, मशीनरी जा रही, मशीनरी एसेट है। नहीं बेटा, नहीं, कैश की बात और खत्म होगी। मशीनरी क्रेडिट का मीनिंग क्या है? मशीनरी हमने दे देनी है, मशीनरी हमारी बुक से जा रही है। जब भी एसेट कम होता है, मशीनरी वाला एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो जब भी कोई एसेट कम होता है तो एसेट तो क्रेडिट होगा। लेकिन क्या इस एसेट के जाने का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट हमने फायदा ले लिया है? इस 640,000 के अगेंस्ट जो हमने फायदा उठाना था, क्या वो उठा लिया है? तो इसका सेकेंड एस्पेक्ट एक्सपेंस वाला है। तो एक्सपेंस डेबिट की जगह क्या कर दिया मैंने? डिस्पोजल अकाउंट क्यों डेबिट कर दिया, किसी को पता? नहीं, ताकि इनकम जो क्रेडिट हुई थी उसके साथ ही एक्सपेंस नेट ऑफ हो जाए और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाए। तो प्लीज, डिस्पोजल अकाउंट किस हेड की जगह डेबिट? क्या मशीनरी से अगर फायदा उठा लिया है तो मशीनरी अब हमारे लिए फायदा उठा लेने के बाद एक्सपेंस की तरह हो गई है? तो एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? लेकिन एक्सपेंस के लेजर की बजाय किस लेजर को हम बनाना चाह रहे हैं? तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब इनकम बढ़ रही है। जब हम इस डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि आप उसमें कैलकुलेट हो जाएगा गेन या लॉस कैलकुलेट। मेरी तरफ आपने देख के जो मैंने एंट्रीज की है उनको थोड़ा सा समझने की दोबारा कोशिश करनी है। क्या कैश आ रहा है? क्या मशीनरी जा रही है? बेटा, एक एस्पेक्ट हो गया कैश डेबिट, नीचे एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया मशीनरी क्रेडिट। बस अब इनको अलग-अलग बैलेंस कर दो, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या हो जाए करेगी? मशीनरी क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट। पहले इस तरह से पढ़ने, बाद में इंशाल्लाह सीक्वेंस में याद कर लेंगे। पहली एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी एंट्री होगी मशीनरी क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो मेन हेड्स पे रहना चाहिए, और मेन हेड्स कौन से हैं? एक कैश है और एक मशीनरी है। फाइनली रिपीट करें, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंड मशीनरी क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री जरा देख के बताएं, ये मैंने किस अमाउंट से एंट्री की है? 640 क्या चीज है? ये जो दूसरी एंट्री है किस अमाउंट से हुआ करेगी? WDV और एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये पहली एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी? ठहर जाए बस एक मिनट और। पहली एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी? सेल प्रोसीड से। और दूसरी एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी? एट द WDV। लेकिन किस दिन की WDV? इस दिन डिस्पोजल हुई है। आप लोग इस तरह करें, लेजर आपने खोला हुआ है डिस्पोजल अकाउंट का, उसको खुला रहने दें, उसके नीचे आ जाए, लेजर के लिए स्पेस रख लें 5-6 लाइन, और नीचे जरा पहले आप एंट्रीज लिख लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी बेटा लिख लें, फिर इसकी जरा फर्दर डिस्कशन भी करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बात मेरी फॉलो की कुछ?
बाकी डेफिनेटली हो सकता है अभी आपके और क्वेश्चन हो जाए ना कुछ, इंशाल्लाह मैं और बताता हूँ चीज़ें, आप जैसे क्वेश्चन पर एड्रेस करता हूँ। जी बेटा मैं पोस्टिंग करके भी दिखाता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट में अब ये फिगर्स कैसे लिखे जाएंगे वो आप ये एंट्रीज लिखा, फिर मैं अभी आपके सामने पोस्टिंग्स कंप्लीट करता हूँ। इधर टेम्परेचर इसका ठीक करते हैं, 24 पे चल रहा है, नहीं कर दो नहीं हो जाता सुबह से वहाँ से ज़रा चेक कर लेते हैं, 24 पे तो ऐसे ही बस चलता रहेगा, एक दफा दोबारा बंद करके चलाऊंगा, बंद करके वहाँ इससे नहीं बटन मुझे ऊपर नीचे वाला बटन जैसे टेम्परेचर वाला। ये करने के लिए एंट्रीज लिखनी है तो मुझे जरा बताना, नोट करनी प्लीज लास्ट टाइम में जो हजरात बैठे जी। सबसे पहले बेटा इन एंट्रीज में अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली एंट्री जरा दोबारा देखें आप लोग, कुछ सेंस समझ आ गई इसकी। सेकंड एंट्री कोई कंफ्यूजन प्लीज, देन फिर आगे जरा इसके पीछे जो डिस्पोजल अकाउंट खुला हुआ इन एंट्री से पहले उसमें जरा ये एंट्रीज देख के जरा पोस्टिंग करवा, बल्कि एक मिनट अगर पहले करवा दे मुझे बाद में लिखेगा, आप अपनी एंट्रीज देखें और मुझे जरा डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करवानी है तो पोस्टिंग एरर ना हो। और से देखिएगा, पहली एंट्री है कैश डेबिट, अगर कैश का लेजर बन रहा होगा तो कैश के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे होगी, रेफरेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट हो, हम कौन सा लेजर बना रहे हैं मेरी देर पर फिगर किस तरफ होगी, ना 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 प्लीज डिस्पोजल अकाउंट पहली एंट्री क्रेडिट हो रहा है प्लीज किधर लिखो किधर लिखो, रेफरेंस के तौर पे क्या लिखो, कैश कैश तो बेटा आ रहा है मैंने क्रेडिट कर दिया यार, ये कैश का लेजर ही नहीं है, कैश के लेजर में इसने डेबिट होना, डिस्पोजल अकाउंट में इनकम के तौर पे क्रेडिट हुआ। ओके प्लीज दूसरी एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है किस तरफ लिखो किस तरफ लिखो, कितना आएगा 40,000 और रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, मशीनरी का अकाउंट अभी हम बना भी रहे हैं उसका पूरा भी करना है, वैसे जरा विजुलाइज करें मशीनरी के लेजर में फिगर किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड पे रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट आएगा, इसको बैलेंस कैसे करना है आपसे करवाता हूँ, पोस्टिंग कंप्लीट करें आप, पोस्टिंग चाहिए देख लें। जब पैसे बेटा आए वो अपने कमाए देयर फॉर इनकम है और मशीनरी के अगेंस्ट कमाए तो मशीनरी बेचने से 6,40,000 का आपको बेनिफिट मिल गया है, देयर फॉर बेटा फिर एक्सपेंस के तौर पे आ गया। ठीक है प्लीज डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट मेरे अलावा कोई क्लियर है सर, तो साथ में सर क्या वो दोनों फिगर्स इस लेजर में आ गई हैं जिनके डिफरेंस से गेन लॉस बन जाएगा, क्या क्या आ गया है, डेबिट साइड पे WDVF मशीनरी, क्रेडिट साइड पे सेल प्रोसीड्स आ गई हैं, देन जस्ट लाइक एनी अदर लेजर इसने भी बैलेंस होना है, बताएं लेजर कैसे बैलेंस होता है, ना 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 ऐसे नहीं प्लीज, पहले किस साइड पे मुझे करने देना, पहले टोटल किस तरफ करूं, जिस तरफ दिल करे कर लूं, सेंटर लाइन पे लिख लूं, प्लीज पहले किस साइड पे लिखते हैं, हायर साइड कौन सी इस केस में, क्रेडिट साइड पे 675,000 आ गया है, ये अभी ना लिखे ऑपोजिट साइड पे भी इतना ही आएगा, अब क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस बन रहा है इस लेजर में, क्रेडिट बैलेंस बन रहा है इस लेजर में जो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, बड़ी मुश्किल से मैंने सोच के बोला था क्रेडिट साइड बेटा ज्यादा है यार, तो क्रेडिट्स ज्यादा है कितने से 35,000 से, लिखूं कहां, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन या लॉस,
इन चीजों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, पता किसी को? सोच लेते हैं, सोचो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, एक्सपेंसेस, डेबिट इनकम्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर इस लेजर को बैलेंस करके क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो दैट विल रिफ्लेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल, क्रेडिट बैलेंस। अब असल में पूरी इनकम तो 675,000 है ना, तो ये नेट इनकम रहेगी। तो दिस गेन इज अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस, लेकिन लेजर बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। इज इट अ क्रेडिट बैलेंस? अगर लेजर में फिगर्स लिख के क्रेडिट बैलेंस बन जाए तो वो गेन होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखें एक सेकंड, अगर सपोज ये WDV होती 7 लाख रुपीज, तो बताइए लेजर कैसा बैलेंस करता हूँ? नहीं, बैलेंस बैलेंस कैसे करता करता करता, पहले कितना लिखता, कहाँ लिखता? डेबिट साइड पे। उतना किधर आ गया? क्रेडिट। अब डिफरेंस कैसे लिखो? डेबिट साइड अब ज्यादा है बाय रुपीज 25,000, 7,00,675,000, तो 25,000 किधर आएगा? लिखूंगा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, इस साइड पे सर जी लिखूंगा सर। डेबिट बैलेंस बन रहा है, डेबिट बैलेंस प्लीज यार क्या होगी? डेबिट बैलेंस कैसे कहते हैं? व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड बाय रुपीज 25,000, लिख किधर रहा हूं? लेकिन है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। तो ये डेबिट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए जिस वक्त हमारे केस में आ रहा है, तो इट विल रिफ्लेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल। लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 640,000 था, 675, 675, 35,000, ये सीडी बैलेंस है सॉर्ट ऑफ इस लेजर में। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। गेन है, लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, फाइनल करते हैं। क्रेडिट बैलेंस है, देयरफॉर गेन है, लेकिन ये जो सीडी बैलेंस है इसने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में जाना है। पी डॉट एल क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस और अदर इनकम, इसने जाना है। ये सब कुछ आपने सही तरफ लिख कंप्लीट कर। ये बेटा अभी इसका ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो चंद बातें भी मैंने की हैं वो पहले थोड़ी सी और हजम कर लें, बाकी इंशाल्लाह मैं और कोशिश करता हूँ। आपने मेरे साथ करनी है तो ऐसे परेशान ना हो। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और वो तो जरूर हो जाएगा, उस सब का यहीं तक रुकते हैं, बस बात तकरीबन खत्म होगी। जी सर जी, जो मैंने लेजर बैलेंस किया है, सब कुछ लिखा है, क्या किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन आ रही हो, किसी ने कुछ और पढ़ा हो, सुना हो, अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज, ये सीडी साथ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस गेन वर्ड्स लिखने की कोशिश की है, कोई कन्फ्यूजन प्लीज। क्या हमेशा डिस्पोजल अकाउंट में गेन ही आएगा? हमें कैसे पता चलेगा गेन है या लॉस है? नहीं, वो फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा, लेकिन बेटा लेजर से पता चलेगा, हम अकाउंटेंट है। आइए जरा इस अकाउंटेंट बन के आप सिर्फ इस लेजर को जरा दोबारा गौर से देखें, क्रेडिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे कैश आता नजर आ रहा है या जाता नजर आ रहा है? और जाने दे, क्रेडिट हो रहा है कैश, और क्रेडिट हो रहा है कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट का ये लेजर, कैश ऑपोजिट रेफरेंस है, कैश डेबिट हुआ है, तो क्या कैश इज मोर देन द WDV? तो देखो बेटा गेन, और अगर WDV इज मोर देन कैश हो रहा है तो लॉस विल बी अ डेबिट बैलेंस एंड गेन विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। एनी फाइनली कंफ्यूजन? अब ऊपर वापस है, एक मशीनरी का लेजर बन रहा था, मेरे सामने बच्चों ने ऐसे किया, मैंने कहा शायद मैं भी करके देखता हूँ, शायद डिस्पोजल अकाउंट डाली जाए, सीधा कर लेते हैं, डराने नहीं सर जी, हिम्मत करनी। मशीनरी अकाउंट में वापस आए, लेकिन वापस आते आते वो जो आखिरी दो एंट्रीज हुई हैं उनको जरा देख के वापस आए, वो जो दो एंट्रीज हुई हैं उनमें से कोई इफेक्ट इस मशीनरी के लेजर में आना है सर? कौन सी एंट्री वाला सर? सेकेंड एंट्री वाला। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? बोर्ड पे देखें, छोड़ दे लिखना, एक सेकेंड, 1 जनवरी 2022, पहली एंट्री आनी है मशीनरी अकाउंट में या दूसरी? पहली एंट्री कैश टाइप है, डिस्पोजल क्रेडिट का कोई इससे ताल्लुक है, लेकिन दूसरी एंट्री बोलने जरा क्या लिखी हुई है?
डिस्पोजल अकाउंट में हमने डेबिट कर लिया हुआ है, मशीनरी के लेजर में बताएं कितना किस तरफ लिखूं, 6,40,000 क्रेडिट साइड पे आ गया, रेफरेंस के तौर पे बता दें डिस्पोजल अकाउंट। अब ये लेजर एक सेकंड अकाउंटेंट बन के जरा गौर से देखें, एक एसेट हमारा था 640 का साल के शुरू में, लेकिन साल के शुरू में ही हमने उसको अगर बेच दिया है तो वाई सीडी इज नाउ जीरो ऑफ मशीनरी अकाउंट, क्योंकि अब ये एसेट हमारा नहीं रहा, इसकी जगह हमारे पास अब कैश आ गया। क्या अगर कोई एसेट बेच दिया है तो उसको बेचने के बाद हमारे लेजर का सीडी बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए? क्या एसेट भी हमारा और कैश भी हमारा? दिल तो करेगा लेकिन बेटा ऐसे होगा नहीं। क्या आ जाएगा क्या चला जाएगा? देयरफॉर आफ्टर कंप्लीटिंग दीज एंट्रीज तो हमारे इस मशीनरी के लेजर का बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो मशीनरी जो हमने बेच दी है वो फिर हमारी बुक से निकल जाए। अब इससे कीजिएगा बिफोर वी स्टार्ट एनी अदर क्वेश्चन, सॉरी 1/1/22 सॉरी ऊपर डेट सही कर लीजिएगा, सॉरी मैंने राइट साइड पे गलत लिखी है, 1 January 2022 डेट आएगी जिस दिन हमने बेचा, अगर आपसे भी गलती होगी तो लिख लेना सही, 1 January 2022 डिस्पोजल डेट। एक बड़ा काम कीजिएगा, जो मैंने एग्जांपल मशीनरी की बनाई है कंप्लीट साइलेंस कैंडी इंडिविजुअली सारी एग्जांपल इस लेजर से शुरू करें 8 लाख से, और जितना काम एंड तक अभी हुआ है खामोशी से प्लीज, टाइम अभी है आप लोग रिवाइज करें 5 मिनट, फिर इसी की दोबारा डिस्कशन करेंगे, अगली बात इंशाल्लाह कल ही करेंगे। प्लीज मेरे सामने 5 मिनट आराम से सब कुछ रिवाइज करें, कहाँ से शुरू करना, जहाँ से मशीनरी का लेजर बना हुआ है और एंड तक जाना, तो प्लीज साइलेंस, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। कोई अगर क्वेश्चन जहन में आता है तो काइंडली प्लीज पहले खुद सोचें और अगर ना रिजॉल्व हो तो मुझसे डिस्कस करें, साथ वाले को अपना सोचना है। इतने सारे अकाउंटेंट्स जब जहन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटिंग ही फ्लॉप ही ना हो जाए, तो अपना अपना सोचें, गिव योरसेल्फ टाइम, रिलैक्स होकर सोचें। ये गेन इज अदर इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जहां सेल आती है फिर कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर अदर इनकम होती है, तो कोई भी अगर बिजनेस में इनकम हो जाए अदर देन द सेल इनकम तो इकराम बेटा उसे फिर अदर इनकम कहते हैं। जी डेफिनेटली बेटा, अगर कुछ ऐसा एसेट इस्तेमाल किया है तो जिस ईयर में एसेट डिस्पोज करेंगे उस ईयर में भी डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन मैंने क्योंकि अभी अज्यूम किया है कि साल के शुरू में डिस्पोजल हो गई है तो देयरफॉर फिर इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, तो कांडी इस आगे आगे कांडी ना जाए, अगर कोई यहीं तक रिस्ट्रिक्ट है तो बेहतर, बाकी अब थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया तो इंशाल्लाह डिस्कशन आगे चलेगी। बेटा प्लीज आपकी आवाज़ नहीं कांडी आ रही, मेरी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूँ, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज दूसरों को चांस दें, और अगर क्लियर नहीं है तो कांडी एक मिनट वेट करें, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, कोई आवाज ना आए मेरे तक और साथ वाले तक तो बिल्कुल ना। ये बेटा इसमें एंट्री हुई मशीनरी के लेजर में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी चली गई है और इस मशीनरी की अमाउंट से हमने गेन कैलकुलेट करना या लॉस जो भी आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में, तो उसके सेकंड रेफरेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट आया। ठीक है, जिन लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस होते जाए जरा बताते रहे, क्या समझ आ गई? जी अगर कोई भी नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर हमने ये एसेट बेचा है और हमसे एग्जामिनर ने डिस्पोजल अकाउंट मांगा है तो हम फिर डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज किया करेंगे और एग्जामिनर को डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कैलकुलेट करके दिखाया है।
जी बेटा, जिन चीजों के तरफ आप जाने की जरूरत नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट में अगर गेन आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस होगा। अगर कैश ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा और देयर फॉर वो गेन है, और अगर कैश कम है, एसेट की WDV ज्यादा है, तो फिर इसमें डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, देयर फॉर लॉस है। जी मशीनरी वाले लेजर बेटा, मशीनरी क्योंकि हमने सेल कर दी इसलिए क्रेडिट हो रही है, तो मशीनरी बेचने से मशीनरी क्रेडिट, और उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया, ताकि उसका वो जो एक्सपेंस है वो 6,75,000 की इनकम से कंपेयर हो जाए। ठीक है, क्लियर? आप लोगों से मैंने 2 मिनट बाद पूछना है, कल अपना एफर्ट जारी रखें, अभी आप लेजर ही पूरा नहीं हो रहा। ये कैश अगर बेटा ज्यादा है डिस्पोजल अकाउंट में, तो कैश क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में, तो क्रेडिट बैलेंस जब बनेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से, तो लेजर बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पे अमाउंट आई है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जी बेटा, मशीनरी के लेजर में 675,000 इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो तो कैश की अमाउंट है, कैश की अमाउंट नहीं, कैश के लेजर में जाना। जी ये इसलिए बेटा पता चलेगा, अगर कैश ज्यादा है तो गेन होगा, और अगर कैश कम आया है WDV से तो फिर लॉस होगा। जी आप लोगों ने पढ़ ली है एंट्रीज? जी आपके कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर, सही वो पूछ लेगा सर, क्यों सब मतलब अल्लाह माफ करे, कुछ पूछने लगा डिस्पोजल प्लीज, वो एक्सपेंस पूछने लगा अपना। ये डिस्पोजल जो है ये एक्सपेंस नहीं किसकी बेटा ऐसा नहीं है, ये बात ये है ही नहीं, ये दो जहन मिले हैं इसलिए गलत होगी बात, अब अलग अलग जहन कर लेते हैं और इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट सामने रखे नहीं सारे? डिस्पोजल अकाउंट में 6,75,000 किस तरह था? क्रेडिट साइड। तो क्या कैश जो हमें मिला है वो इनकम के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? सर? बस ये बात, जो कैश आपने मिला, आपको मिला है, वो आपकी एक इनकम है, देयर फॉर इनकम क्रेडिट होने की वजह से, इनकम क्रेडिट होती है डेबिट होती है, तो अलहदा लेजर बनाने के बजाय हमें अगर एग्जामिनर कहेगा कि डिस्पोजल अकाउंट में ये सब कुछ कर दें, तो हम इनकम क्रेडिट के बजाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करके इनकम रिकॉर्ड कर लें। यहां तक बात ठीक होगी? अब मशीनरी जो गई है क्या वो एसेट कम हुआ है? तो सर जी एसेट कम हुआ है सर, तो एसेट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन क्या उस एसेट के जाने से हमें उसका फायदा मिल गया है? तो उसका जो सेकंड एस्पेक्ट एक्सपेंस वाला है, एक्सपेंस का लेजर अगर एग्जामिनर नहीं मांगेगा और डिस्पोजल अकाउंट का लेजर मांगेगा, तो हम डिस्पोजल अकाउंट में ही उस एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे। अब ठीक हो गया, तो डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? 640,000 रेफरेंस। असल में आप रेफरेंस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लग रहा है, ये रेफरेंस किसके लिखे होता है? ऑपोजिट हेड। तो यहाँ मशीनरी लिखने का मतलब क्या है? इसका सेकंड इफेक्ट मशीनरी के लिए जाए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस क्या है? एक एक्सपेंस है, सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेंस हो गया बेचने के बाद, इसका सेकंड इफेक्ट किस लेजर में है? तो ये वो लिखा हुआ। क्रेडिट साइड पे कैश लिखने का मतलब क्या है? कि कैश के लेजर में इसका सेकंड इफेक्ट, तो कैश का लेजर डेबिट हो रहा है, उसके क्रेडिट इफेक्ट के तौर पे ये क्या चीज आ रही है? एक इनकम आ रही है, लेकिन रेफरेंस प्लीज कैश क्यों है? क्योंकि उसकी ऑपोजिट अमाउंट कहाँ होगी? अगर हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के लेजर में फिगर किधर होगी? डेबिट साइड पे, और डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में और रेफरेंस के तौर पर। तो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है, ये डिस्पोजल अकाउंट में एक इनकम के तौर पर आ रही है, डिस्पोजल अकाउंट में इनकम के तौर पर आ रही है, और 6,40,000 डिस्पोजल अकाउंट में एक एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ आ रही है। रेफरेंसेस क्या बता रहे हैं? कि कैश का रेफरेंस क्या बता रहा है? कि कैश के लेजर में भी ये अमाउंट होगी किस साइड पे?
डेबिट साइड पे, और मशीनरी के लेजर में ये अमाउंट किस तरफ होगी, अब यहाँ कहाँ लिखी हुई है, तो पूरी डबल एंट्रीज क्या बनी हुई है, क्रेडिट साइड पे देखिए बताएं डबल एंट्री क्या बनी हुई है, कैश डेबिट हुआ भाई या क्रेडिट हुआ भाई, लेजर किस चीज का है, तो कैश डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट साइड में क्या एंट्री बनी हुई, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी क्रेडिट है, अब सीधा कर लेते हैं, या ऑपोजिट अगर बोलना है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, डिस्पोजल अकाउंट है, लेकिन आप डिस्पोजल अकाउंट सामने रखते तो एंट्री रिपीट करें, क्रेडिट साइड पर बोले जी क्या, कैश डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और सेकेंड एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है और मशीनरी अकाउंट, अब ओके प्लीज, और क्योंकि कैश क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, फाइनल कर रहा कैश क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, कम है, तो देयरफॉर ये क्रेडिट बैलेंस है, मुझे खतरा ये किसी में फंसा रहा है, मुझे कैश क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लिखा किधर हुआ, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, ये कौन सा बैलेंस है मेरे भाइयों, मुझे लग रहा है मेरी अकाउंटिंग फ्लॉप कर देनी है, ये मशीनी का लेजर देखें ऊपर आए 720,000 होने, इंशाल्लाह होने नहीं देनी है, बेफिक्र है, ये तो हो सकता है कि हम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन कहीं खुदा ना खासा अकाउंटिंग फ्लॉप ना हो, 720,000 होने सर मशीनी के लेजर में, पहला डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, अब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, सभी ये जुर्मा कैंडली कर दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जब सीडी बनते हैं तो अपनी नेचर के ऑपोजिट, और जब बीडी बनते हैं तो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली, तो व्हाट इज 7,20,000 डेबिट बैलेंस, 6,40,000 डेबिट बैलेंस, नीचे डिस्पोजल अकाउंट भागते जाए, 35,000 क्या है, 35,000 क्या है, क्या है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, लेजर बैलेंस करने के लिए सर डेबिट साइड पे लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन ऑन डिस्पोजल, सही है, और डेबिट बैलेंस विल रिफ्लेक्ट लॉस ऑन डिस्पोजल, अब कोई कंफ्यूजन लेकर तो नहीं जा रहे हैं, अरे इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, आप सबसे लेकिन रिक्वेस्ट है कंडी आधा घंटा आज ही दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, वरना ये बात फिर डेफिनेट डिफिकल्ट हो जाएगी, दोबारा सोचें कल दोबारा यहीं से फिर हमने शुरू कर, वो देख लेंगे सर जी कल, ये वाला साल तो मुका लें, वो आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, इसे सुन लिया आपने बैठ के, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन अगर आ गया, बेटा अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने एसेट के क्रेडिट साइड पे लिखा, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो एसेट के क्रेडिट साइड पे ही फिगर आएगी, डेप्रिसिएशन का अगर लेजर बना रहे होंगे उसमें फिगर डेबिट साइड पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, जानले स्टूडेंट्स फाइनल बता दीजिए अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, ये अभी कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, पहले हम जरा अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ये डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली बात समझ आ गई, ये एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई रह गया सवाल, ये बेटा उसकी जरूरत नहीं है, जितनी बातें बस मैंने की है फिलहाल उतना काफी है, इंशाल्लाह फर्दर जो जो जरूरत होगी कल दोबारा डिस्कस करेंगे, यहाँ तक अगर क्लियर हो गए मिस्टर जवाहर अशरफ तो मेरा ख्याल अभी जरूरत नहीं है ऐसी और परेशान होने की, कल और डिस्कशन होगी अगले दिनों में होगी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो नए नए तरीके भी रहने दें, यहाँ तक सोच लें फिर इंशाल्लाह और बातें कल करेंगे, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज। Love this.